हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक होम्स। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा पावर सप्लाई के ऊपर। आज हम बात करेंगे कौन सी पावर सप्लाई आपको लेनी चाहिए जो कि काफ़ी लंबे समय तक चलेगी और एक्यूरेट ट्रेडिंग आपको ये देगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई तीन चार पावर सप्लाई नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ एक ही पावर सप्लाई बताऊंगा जो कि आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बजट प्राइस में एकदम सही पावर सप्लाई है। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो में देख पाओगे, खोल के रखा हूँ पावर सप्लाई, कुराड कंपनी की पावर सप्लाई है। और बात करें हम इसके मॉडल की, तो मॉडल है KA3005D। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कुराड KA3005D इसका मॉडल है। मैं इसके कुछ फंक्शंस आप लोगों के यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। पावर सप्लाई का प्राइस बात करें तो प्राइस इसका 4,500 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। 100-200 कम हो सकता है, बाकी 4,500 के करीब में ये पावर सप्लाई आ जाती है। इसमें आप ये जो पावर सप्लाई फ्रेंड 5 एम्पियर की है और 30 वोल्ट तक ही आउट करती है। तो इस तरीके की पावर सप्लाई है। यहाँ पे बात करें इसके फंक्शंस की, तो यहाँ पे 4 डिजिट की ये पावर सप्लाई है। मैं इसकी फोटो आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पाओगे 4 डिजिट की ये पावर सप्लाई है। ऊपर आपका वोल्टेज दिखाएगा, नीचे आप एम्पियर सेट कर सकते हो। तो इस तरीके की ये पावर सप्लाई है। और यहाँ पे आप लोगों को इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज और आउट, यानी आपका करंट आउट हो रहा है या नहीं, वो भी यहाँ पे बता देता है। इसके अलावा यहाँ पे मेमोरी दी हुई है M1, M2, M3, M4, M5 तक। इसमें आप अलग अलग वोल्टेज अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग वोल्टेज, अलग अलग एम्पियर सेट करके रख सकते हो, जिससे आपको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी वोल्टेज बदलने की। यहाँ पे आप सेट करके रख दो मेमोरी में, उसके बाद आप इसको जब चाहो सिलेक्ट कर सकते हो एक बटन दबा के। इस तरीके से यहाँ पे मेमोरी के बटन हैं, जो भी मेमोरी आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसको सेट भी कर सकते हो। सेट करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दी हुई है, ये कम ज़्यादा करने के लिए, ये आपका बटन दी हुई है, इससे आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे जो लेफ्ट राइट की बटन दी है, इससे आपको वोल्टेज कम करना है या फिर मिली वोल्टेज कम करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वोल्टेज और करंट है, इस बटन को दबाओगे तो आप वोल्टेज को सेट करना है, करंट को सेट करना है, वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑन ऑफ की बटन है, यानी कि ये आपकी मेन पावर बटन है, यहाँ से ऑन हो जाएगी। ये जो ऑन ऑफ की बटन है, आउटपुट की बटन है, आपका डीसी पावर सप्लाई का आउटपुट आपको चालू करना है या फिर बंद करना है वो है। इसको ऑन कर दोगे तो आपका डीसी मशीन पावर देना चालू कर देगा, बंद कर दोगे तो ये डीसी मशीन आपकी पावर नहीं देगी। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉक का बटन है, अगर आपको लॉक करना है, जिससे क्या होगा कोई भी कुछ भी बटन दबा देगा तो वो सेटिंग आपकी बिगड़ेगी नहीं, जो है वही रहेगी, यानी कोई भी बटन वर्क नहीं करेगी जब तक आपका ये लॉक ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आप ऑन कर सकते हो, इससे आपकी डीसी पावर सप्लाई सेफ रहेगी। जैसे कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा फोन में या फिर आपकी वायर एक दूसरे से जुड़ जाएगी तो डीसी मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, पावर देना बंद कर देगी, जिससे आपकी मशीन सेफ रहेगी। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस के आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके की जो पावर सप्लाई है 4,500 के करीब में मिल जाती है। इस पावर सप्लाई को आप ले सकते हो फ्रेंड, काफ़ी अच्छी है और मैं भी इसको शॉप में यूज़ करता हूँ। और एक्यूरेट ट्रेडिंग के साथ आप इसमें फॉल्ट फाइंड कर सकते हो, शॉर्टिंग वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, किस तरीके से इस मशीन को हम यूज़ करते हैं, इसकी जो मेमोरी है इसको किस तरीके से सेट करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।